कामयाब जिंदगी चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आर्मी ज्वाइन करना यानी कि सेना ज्वाइन करना, देश की रक्षा के लिए दुश्मनों से लोहा लेना लाखों युवाओं का सपना होता है और ये बड़े ही गर्व की बात है। तो आइए जानते हैं आज के इस खास वीडियो में भारतीय सेना यानी कि आर्मी को ज्वाइन करने के हमारे पास कितने ऑप्शन यानी कि विकल्प मौजूद है, उन सभी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो जो है काफी नॉलेजफुल, काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सेना में काम करते हुए प्रतिष्ठा, शानदार कैरियर, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा वेतन एवं सुविधाएं आदि मिलने के साथ साथ देश की सेवा करने का जो मौका मिलता है उसकी बात ही अतुलनीय है। भारतीय सेना में नौकरी पाने के लिए युवा सेना द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न भर्ती प्रक्रिया समूह के अनुसार आवेदन कर सकते हैं और चयनित यानी कि सिलेक्टेड होने पर देश की सेवा में योगदान दे सकते हैं। आर्मी भर्ती रैली के माध्यम से सिपाही के तौर पर एंट्री। भारतीय सेना में विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेड्समैन, नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर और जनरल ड्यूटी के लिए सिपाही या सोल्जर के तौर पर भर्ती के लिए आर्मी रिक्रूटमेंट रैली या सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाता है। सेना द्वारा विभिन्न स्थानों पर भर्ती रैली का आयोजन देश भर में स्थित विभिन्न बेस पर किया जाता है। सेना भर्ती रैली कार्यक्रम के बारे में उम्मीदवार सेना के भर्ती जॉब पोर्टल joinindianarmy.nic.in पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। भर्ती रैली के माध्यम से भरे जाने वाले सिपाही पदों के लिए 8वीं, 10वीं, 12वीं ITI निर्धारित की गई है और आयु सीमा है 17.5 वर्ष से लेकर 23 वर्ष। सेना में हवलदार और नायब सूबेदार के तौर पर सीधी भर्ती। भारतीय सेना द्वारा हवलदार रैंक पर सर्वेयर ऑटो कार्टो इंजीनियर के पदों के लिए भर्ती समय समय पर निकाली जाती है। इन पदों के लिए गणित और विज्ञान विषयों के साथ 10+2 और फिर BA BSc पास होना आवश्यक है। इसकी एज लिमिट है 20 से 25 वर्ष तक के युवा जो है वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार सेना द्वारा हवलदार शिक्षा की भर्ती भी निकाली जाती है जिसके लिए ग्रुप एक्स में MA, MSc, MCA या BA, BSc, BCA के साथ BEd किए उम्मीदवार और ग्रुप वाई के लिए BSc, BA, BCA, IT बिना BEd किए उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं सेना द्वारा नायब सूबेदार रैंक पर कैटरिंग JCO, ASC और धार्मिक शिक्षक JCO के लिए भी भर्ती निकाली जाती है। कैटरिंग JCO, ASC पदों के लिए 10+2 के साथ होटल मैनेजमेंट एवं कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किए 21 से 27 वर्ष तक के युवा अप्लाई कर सकते हैं। वहीं धार्मिक शिक्षक JCO पदों के लिए स्नातक और अपने धर्म से संबंधित डिग्री प्राप्त 27 वर्ष से 34 वर्ष तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को यह ध्यान देना चाहिए कि सिपाही, हवलदार और नायब सूबेदार के तौर पर सीधी भर्ती के तौर पर चयनित उम्मीदवार सेवा के दौरान प्रमोशन से सूबेदार मेजर के रैंक तक पहुंच सकते हैं। इससे ऊपर के रैंक के लिए सेना द्वारा अलग अलग भर्ती प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है। आइए जानते हैं उसके बारे में। सेना में लेफ्टिनेंट के तौर पर भर्ती। भारतीय सेना में सूबेदार मेजर के रैंक से ऊपर के रैंकों के लिए लेफ्टिनेंट के रैंक पर भर्ती की जाती है। लेफ्टिनेंट पर भर्ती के लिए कई एंट्री ऑप्शंस सेना ने दिए हैं। इनमें से NCC स्पेशल, ASC, IMA, 10+2 टेक्निकल, NDA, JAG, TGC, UES, TGC एजुकेशन शामिल है। किसी भी एंट्री ऑप्शन से लेफ्टिनेंट रैंक पर भर्ती किए उम्मीदवार के पास सेवा के दौरान प्रमोशन पाते हुए सेना में जनरल के रैंक पर पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं लेफ्टिनेंट रैंक पर विभिन्न एंट्री ऑप्शन यानी कि विकल्प जो है निर्धारित किए गए हैं सेना द्वारा, उनके बारे में हम जान लेते हैं, योग्यता के बारे में जान लेते हैं, क्या है एलिजिबिलिटी। NCC स्पेशल पुरुष एवं महिला। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ ए या बी ग्रेड में NCC सर्टिफिकेट प्राप्त 19 से 25 वर्ष तक के युवा इसे ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन। टेक्निकल पुरुष एवं महिला। इंजीनियरिंग में BE या BTEC या BArch या MSc कंप्यूटर डिग्री प्राप्त 19 से 27 वर्ष तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन
नॉन टेक्निकल, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री से पास 19 से 25 वर्ष तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी नॉन टेक्निकल IMA में नॉन टेक्निकल पदों पर भी सीधी भर्ती की जाती है, जिसके लिए 19 से 24 वर्ष तक के युवा जो स्नातक डिग्री प्राप्त है वो आवेदन कर सकते हैं। 10+2 टेक्निकल TES भारतीय सेना द्वारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों में न्यूनतम 70% अंकों के साथ 10+2 पास युवाओं की तकनीकी भर्ती टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी कि TES की जाती है। इसके लिए दोस्तों आयु सीमा 16.5 वर्ष से 19.5 वर्ष है। NDA भर्ती, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट रैंक पर भर्ती के लिए एक विकल्प संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA की परीक्षा है, जिसका आयोजन आयोग द्वारा वर्ष में 2 बार किया जाता है। इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों के साथ 10+2 पास होना आवश्यक है। JAG जज एडवोकेट जनरल पुरुष एवं महिला, भारतीय सेना में विधिक कोर में एंट्री के लिए JAG पुरुष एवं महिला भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है, जिसके लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ LLB पास और बार काउंसिल ऑफ इंडिया या विभिन्न राज्यों के बार काउंसिल से रजिस्टर्ड युवा आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है। TGC तकनीकी कोर में भर्ती के लिए सेना द्वारा एक और भर्ती प्रक्रिया टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स का आयोजन किया जाता है। इसके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता इंजीनियरिंग में BE या BTEC या BArch या MSc कंप्यूटर है, साथ ही उम्मीदवार की आयु 19 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। UES इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स में अंतिम वर्ष के पहले के वर्षों में पढ़ रहे युवा सेना में UES भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। साथ ही UES के लिए उम्मीदवार की आयु 19 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। TGC एजुकेशन सेना के शिक्षा कोर में सीनियर रैंक पर भर्ती के लिए TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स प्रक्रिया का आयोजन सेना द्वारा किया जाता है। इसके लिए प्रथम या द्वितीय श्रेणी में MA या MSc की डिग्री प्राप्त 23 वर्ष से 27 वर्ष तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। CDS NDA की तरह ही संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज CDS परीक्षा भी एक विकल्प है। इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों का स्नातक होना जरूरी है, साथ ही उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से 24 वर्ष तक की होनी चाहिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सेना द्वारा भर्ती कार्यक्रम में हिस्सा लेकर आप उन पदों की एलिजिबिलिटी को पूरा करते हुए आप भी आर्मी और उसके कई ऑप्शंस में जाकर देश की सेवा करने का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आपका एक शेयर किसी भी सही व्यक्ति के सपने को पूरा करने में उसकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए और हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए करियर ऑप्शन या फिर सक्सेस सीक्रेट या फिर सक्सेस स्टोरीज के साथ। तो आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।